वेलकम टू एशियाज यंग आईएएस। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 10 का चैप्टर 2 करेंगे, दैट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो यहाँ पे एक्चुअली दो कंट्रीज का कंपैरिजन दिया गया है, जैसे आपको यहाँ फ्लैग्स भी दिख रहे हैं। तो ये फ्लैग्स हमको गेस करना है कौन सी कंट्री के है। तो तीन क्लूज दिए गए हैं हर एक के नीचे। तो जैसे ये फ्लैग के नीचे क्लू है कि ये कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो कंट्री का है वर्ल्ड में वो है चाइना, सेकेंड पे आती है इंडिया। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया ही आपको पता होना चाहिए। सेकेंड है, इट इज फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। स्पाइसेस मतलब के जो हम हमारे मसाले हैं, तो मसालों को स्पाइसेस कहते हैं, जैसे कि नो काली मिर्च, जैसे ब्लैक पेपर, क्यूमिन वगैरह, जीरा, धनिया, ये सब जो मसाले जो है उसके लिए इंडिया फेमस है। तो इट्स फेमस फॉर स्पाइसेस। एंड क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट है। क्रिकेट बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, हालांकि हमारा नेशनल स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट नहीं है, हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, लेकिन हमारा पॉपुलर स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट है। तो ये आप डिफरेंस याद रखो, नेशनल स्पोर्ट ऑफ द कंट्री इज हॉकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये तीन हिंट्स से हमको गेस करना है। तो ये तीनों हिंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या तो फिल इन द ब्लैंक में आए कि डैश इज द कंट्री हैविंग सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, या डैश इज फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, तो आपको आंसर पता होना चाहिए इंडिया। ये जो सेकंड फ्लैग यहाँ पे दिया गया है, ये कंट्री कौन सी है, आपको यहाँ तीन हिंट्स अगेन दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दोनों के कंट्री के कंपैरिजन पे ही पूरा आपका ज्योग्राफी सिलेबस बेस्ड है 10th स्टैंडर्ड का। तो ये सेकंड कंट्री कौन सी है, यहाँ पे तीन हिंट्स है। पहला, फेमस फॉर सांबा डांस, तो ये सांबा डांस जो है यहाँ पे बहुत फेमस है। दूसरा है, इट इज नोन एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरा है, फुटबॉल इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट है। तो एक्चुअली ये कंट्री ये ब्राजील का फ्लैग है। तो ये ब्राजील के बारे में तीन पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। सांबा डांस भी मैं बताऊंगी। तो ये सांबा ब्राजीलियन डांस होता है जो कार्निवल्स के टाइम पे होता है। कॉफी काफी फेमस है ब्राजील में, ये याद रखना है। और फुटबॉल यहाँ पे पॉपुलर स्पोर्ट है। तो फुटबॉल की ब्राजील की टीम भी बहुत फेमस है, प्लेयर्स काफी फेमस है हिस्टोरिकली। इसे देख सकते हैं आप, पेले, रोनाल्डो, रोनाल्डिनो, सोक्रेटिस, ये सारे फेमस फुटबॉल प्लेयर्स है ब्राजील से। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोनों कंट्री के याद रखने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेम ऑफ द कंट्री, अभी इंडिया से शुरू कर रहे हैं, तो इंडिया का प्रॉपर नेम जो है वो दिया गया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो इंडियाज नेम इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब ब्राजील का नाम क्या है वो भी हम कंपैरिजन में साथ में करते, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। तो हमारा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ब्राजील का फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। कैपिटल ब्राजील का ब्राजीलिया है और इंडिया का न्यू दिल्ली। तो ये हुआ लोकेशन, एक्सटेंट और बाउंड्रीज देखनी है हमको। तो इंडिया का लोकेशन कहाँ है, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तभी हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर जो होता है, जैसे जो स्फेरिकल शेप, उसके हम चार हिस्से करेंगे, मतलब अगर हॉरिजॉन्टली लाइन कट करेंगे तो ऊपर नीचे जो आएंगे दो आधे स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न, नीचे वाला सदर्न। और अगर वर्टिकली ऐसे कट करेंगे ऊपर से नीचे, तो जो लेफ्ट और राइट साइड पे दो पीसेस आएंगे ऐसे हेमिस्फीयर्स बनेंगे, तो लेफ्ट वाला जो है हमारा वो वेस्टर्न है और राइट वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि डायरेक्शन के हिसाब से, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स। तो ये जो है मैप पे अगर हम देखेंगे तो हम क्लियरली समझेगा कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है। और एशिया के अंदर वो कॉन्टिनेंट, इंडिया इज इन कॉन्टिनेंट एशिया, ब्राजील इज इन कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे इनका लोकेशन कहाँ है, कॉन्टिनेंट में कहाँ है और हेमिस्फीयर कौन सा है वो हम मैप से देखेंगे। तो ये हम ग्लोब को अगर हेमिस्फीयर्स देखेंगे तो ये इंडिया, आप देखो इंडिया एशिया में लोकेटेड है, एशिया के साउथ में। ये पूरा ये कॉन्टिनेंट एशियन कॉन्टिनेंट है, तो ये साउथ ऑफ एशिया में हमारा इंडिया है, इक्वेटर के थोड़ा ऊपर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ये। और अगर लेफ्ट राइट की तरफ से देखेंगे तो ये ईस्ट साइड आता है। तो इंडिया कम्प्लीटली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में। वैसे ही ब्राजील का लोकेशन देखेंगे तो ब्राजील साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, और ब्राजील भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, कैसे उसका डिटेल इमेज भी देखेंगे। तो ये है लोकेशन ऑफ ब्राजील इन साउथ अमेरिका। आप देख सकते हैं इक्वेटर पासिस थ्रू ब्राजील। तो ब्राजील जो है कम्प्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, थोड़ा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, ऊपर भी है। तो ये है, मेनली इट इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और अगर ईस्ट वेस्ट की बात करें तो इट इज कम्प्लीटली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में कहाँ पे बात करें तो इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो अब मैप के बाद आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए कि इंडिया जो है नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, साउथर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट में है, और ब्राजील जो है
यहाँ देख सकते हैं आप कि मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर और कम्प्लीटली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो तीन पॉइंट है, तो दोनों के तीनों पॉइंट याद रखने, इंडिया के और ब्राजील के। फिर यहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स दिए गए हैं। तो लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो स्लीपिंग लाइंस में जो होते हैं लैटिट्यूड्स होते हैं, और स्टैंडिंग लाइंस लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वैल्यू कैसे होती है, फिर हम इसके वैल्यूज भी देखेंगे इंडिया और ब्राजील के लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये स्लीपिंग लाइन्स को लैटिट्यूड्स कहते हैं और स्टैंडिंग लाइन्स को ऐसे लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। तो मैप पे हमको स्ट्रेट लाइन्स दिखती है लेकिन एक्चुअली जो अर्थ है स्फीयर है, और ये इमेजिनरी लाइन्स है जो हमने वैल्यूज इनको देख के हम एग्जैक्ट लोकेशन कोई भी जगह का पता कर सकते हैं, कैसे वो अभी हम देखेंगे। तो देखो स्लीपिंग लाइन्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर विच इज एट 0 डिग्री, तो इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है। और लॉन्जिट्यूड में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो है प्राइम मेरिडियन जिसको अगेन 0 डिग्री माना जाता है। अब ये देखिए, तो ये है इक्वेटर 0 डिग्री और फिर उसके स्लीपिंग लाइंस ऊपर भी है नीचे भी है। तो जो ऊपर स्लीपिंग लाइंस है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो यहाँ पे इनको वैल्यूज दी जाती है 0 डिग्री 10 डिग्री, मतलब वो पूरा टिल 90 डिग्री जो है ये पॉइंट आ जाएगा नॉर्थ। और नीचे जो लाइन है उनको फिर साउथ बोला जाता है, मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसे साउथ। तो ये लैटिट्यूड्स का वैल्यू नॉर्थ और साउथ फॉर्म में होगा। और लॉन्जिट्यूड्स होगी, तो लॉन्जिट्यूड्स अगर आप देख सकते ये ईस्टर्न साइड पे है तो इसको ईस्ट करके लैटिट्यूड का लॉन्जिट्यूड का नाम दिया जाएगा। ये स्टैंडिंग लाइंस में है, ये यहाँ पे भी है 0 10 डिग्री, दिस गोज अप टू 180 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते ये जो है ये ऊपर तक 90 डिग्री तक ही जाएगा एंगल। तो ये सेंटर ऑफ द स्फीयर से एंगल है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री है, तो ये 90 डिग्री तक ही जाएगा पूरा सेंटर से लेकर स्ट्रेट ऊपर। लेकिन ये जो है हाफ कवर होता है, आप देख सकते हैं लॉन्जिट्यूड है, तो लॉन्जिट्यूड से जो है हम इधर से पूरा पीछे तक जा सकते हैं, तो 180 डिग्री तक होता है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री, और ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड, मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड। तो लैटिट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है, लॉन्जिट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री हो सकती है। ये देखिए लैटिट्यूड जो है, तो अगर इक्वेटर ये जो है इक्वेटर का 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और कोई भी पॉइंट हम इक्वेटर से ऊपर जैसे जा रहे हैं, अगर ये सरफेस पे ये पॉइंट पकड़ा हमने, तो इसका इसका एंगल कितना बनेगा, तो ये एंगल जो है यहाँ से सेंटर ऑफ द अर्थ से लिया जा रहा है, तो ये जो थीटा एंगल है लैटिट्यूड का एंगल है। तो थीटा एंगल कैसे आया, इधर से लेके इधर तक, मतलब इक्वेटर इक्वेटोरियल प्लेन से हम एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये थीटा एंगल जो है आप इक्वेटोरियल प्लेन से ऊपर मैक्सिमम 90 डिग्री जा सकते हैं, और जो लॉन्जिट्यूड का एंगल है, लॉन्जिट्यूड मतलब स्टैंडिंग लाइंस, तो प्राइम मेरिडियन अगर ये है, तो लॉन्जिट्यूड का एंगल अगर यही पोजीशन यही लोकेशन का लैटिट्यूड एक होगा वैल्यू, और लॉन्जिट्यूड की भी एक वैल्यू होगी। लॉन्जिट्यूड की वैल्यू हम देखेंगे तो वो कैसे आएगा, लॉन्जिट्यूड अगर इस पॉइंट का चाहिए तो पहले तो इस पॉइंट को हमने सेंटर से देखा, ये उसका प्लेन बनता है, तो ये एक्चुअली प्राइम मेरिडियन से कितना दूर जा रहे, ये एक लाइन ऐसे करके ये लाइन तक जा रहे, तो मतलब ये पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो आप एंगल देख रहे लामडा, तो ये पॉइंट का ये एंगल लामडा यहाँ पे आएगा ना, तो ये जो एंगल है लामडा दैट इज लॉन्जिट्यूड। तो ये लॉन्जिट्यूड आप देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरू होके पूरा पीछे तक 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री तक वेस्ट तक जा सकता है। तो हर लोकेशन की एक यूनिक लैटिट्यूड और एक यूनिक लॉन्जिट्यूडनल वैल्यू होती है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये वॉशिंगटन डीसी यूएस के कैपिटल की लोकेशन बताया गया है, तो इसका लैटिट्यूड कितना है लॉन्जिट्यूड कितना है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी वो है। तो अब इंडिया और ब्राजील का लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड देख लेते हैं। तो ये देखिए इंडिया का हमको यहाँ फिल करना है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स, ये जो सिंगल लाइन है ये डिग्री और ये मिनट्स है, तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री ऐसे। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से शुरू होके 97 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है। लेकिन ये ध्यान रखें ये मेनलैंड इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मेनलैंड इंडिया मतलब आइलैंड्स को छोड़ के, क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया के मैप में ये मेनलैंड इंडिया यहाँ तक है कन्याकुमारी तक, लेकिन हमारे आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और नीचे तक जाते हैं। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, पर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज कन्याकुमारी। तो ये इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और ये लैटिट्यूड हम देखेंगे जैसे हमने देखा थोड़ा सा इक्वेटर के ऊपर है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड नीचे इक्वेटर है, फिर ये 4 डिग्री 8 डिग्री, तो अराउंड 8 डिग्री तक यहाँ मेनलैंड इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड आता है। लेकिन अगर ये अंडमान एंड निकोबार का भी कंसिडर करेंगे
ओवरऑल इंडिया का, तो ये अराउंड 4 से लेके यहाँ बीच में कहीं 6 डिग्री पे आएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है यहाँ पे दी गई है। मेनलैंड इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होके हम नीचे देखेंगे तो ये ऊपर जो है 36 डिग्री से थोड़ा ऊपर तक जाता है, ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये इंडिया का मेनलैंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और लॉन्जिट्यूड जो है जैसे ईस्ट वेस्ट तक, तो ये ईस्ट आप देख सकते हैं अराउंड ये 68 डिग्री ईस्ट है, इसके आगे आते हैं 60, ये आएगा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो ये देखिए 96 यहाँ आता है, ये अराउंड 97 डिग्री पे आता है। तो ये इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वेस्ट टू ईस्ट। और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जैसे मैंने बोला इट इज इंदिरा पॉइंट विच इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसका जो लोकेशन है वो है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। तो ये जो है हमने 8 डिग्री मेनलैंड के लिए बोला पर इंदिरा पॉइंट का 6 डिग्री पे, तो ये याद रखना है। फिर आगे से बढ़ते तो यहाँ पे एक्चुअली नेबर्स हमको लिखना है इंडिया के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में कौन नेबर्स है। तो ईस्ट में नेबरिंग कंट्री और या सीज और ओशंस कौन से, तो इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं ईस्ट ईस्ट मतलब ईस्टर्न साइड। तो हम बीच में से अगर देखेंगे तो ये ईस्टर्न साइड पे है बांग्लादेश और म्यांमार, और ओशन देखेंगे तो है बे ऑफ बंगाल। ये सब पूरा नॉर्थ में आएगा, नॉर्थन साइड में। तो ये देखिए ईस्ट में हम लिखेंगे बांग्लादेश म्यांमार और वाटर बॉडी इज बे ऑफ बंगाल। नॉर्थ में हम लिखेंगे चाइना नेपाल भूटान और इवन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से बहुत छोटा सी बाउंड्री है, ये देखिए अफगानिस्तान इतना बॉर्डर है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके बियॉन्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाता है, लेकिन अफगानिस्तान इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ नेबर। तो ये है अफगानिस्तान नॉर्थ से नेबर है, अफगानिस्तान चाइना नेपाल और भूटान, और नॉर्थ में ऑफकोर्स कोई वाटर बॉडी नहीं है। तो ये जो है नॉर्थ का आएगा यहाँ पे अफगानिस्तान चाइना नेपाल भूटान। वेस्ट में आता है पाकिस्तान और अरेबियन सी, तो हमारे वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान है, अरेबियन सी यहाँ लोकेटेड है वेस्ट में। और साउथ में फाइनली जो है श्रीलंका इंडोनेशिया, दो हमारी लैंड बाउंड्री नहीं है पर मैरिटाइम नेबर्स है हमारे वो ओवर द वाटर बॉडी ओवर द इंडियन ओशन एक्चुअली। तो ये श्रीलंका और यहाँ पे इंडोनेशिया लोकेटेड है, तो ये हमारे नेबर्स है। तो ये बॉक्स फिल हो गया। सिमिलरली चाइना ब्राजील के लिए भी है, तो ब्राजील का आप देख सकते हैं पहले लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट भी हमको देखना है और फिर उनके नेबर्स भी। तो ब्राजील का मैप भी देख लेते हैं, ये रहा तो ब्राजील का आप देखो इक्वेटर यहाँ बीच में पास होता है, तो ये एक्चुअली नॉर्थ से इनका लैटिट्यूडल एक्सटेंड शुरू होगा। तो दिस इज 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ लॉन्जिट्यूड टू साउथ। साउथ में ये कहाँ तक जाता है आप देख सकते हैं, ये अराउंड ये 30 डिग्री आया, तो ये 36 से थोड़ा ऊपर है, तो ये आएगा अराउंड 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। तो दिस इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील 5 डिग्री से लेके 33 डिग्री नॉर्थ से लेके साउथ तक ऐसे। और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो है 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट्स। ये देखो 34 डिग्री कहाँ से आया, यहाँ वेस्ट साइड पे ये, तो ये 35 है यहाँ पे, तो ये एक्चुअली और ये 70 के बियॉन्ड जाता है 75 को टच करते हुए, तो वो ये 73 डिग्री और ये 34 डिग्री। फिर आगे ब्राजील के नेबर्स हम देख लेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। तो ब्राजील एक्चुअली इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका, और इनके आप नेबर्स देख सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज बाउंड्री विद ब्राजील। तो ये देखिए नॉर्थ में नेबर्स देखेंगे तो फ्रेंच गुयाना सुरिनामे गुयाना कोलंबिया वेनेजुएला सब नॉर्थ में आते, तो ये आप नॉर्थ के नेबर्स देखो। और ओशन वाटर बॉडी देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन नॉर्थ में है। वेस्ट में है पेरू बोलिविया और पैराग्वे, पेरू बोलिविया और पैराग्वे ये वेस्ट में आते हैं, और यहाँ पे कोई वाटर बॉडी अगेन नहीं है। फिर साउथ में नीचे देखेंगे तो अर्जेंटीना और उरुग्वे दो नेशंस आते हैं यहाँ पे, अर्जेंटीना है और उरुग्वे, तो ये साउथ नेबर्स है ब्राजील के, वाटर बॉडी साउथ अटलांटिक ओशन है। और फाइनली जो लास्ट है ऑन दी ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड पे कोई कंट्री नहीं है, सिर्फ साउथ अटलांटिक ओशन है। तो ये ब्राजील का भी नेबर्स का टेबल फिल हो गया।
उसके बाद दोनों कंट्रीज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया गया है। तो इंडिया का हमको पता है, इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, 1.5 सेंचुरी के लिए ब्रिटेन हमको रूल कर रही थी, मतलब अगर हम काउंट करें तो 1857 या 1800 से भी लेकर 1947 तक, तो ये 150 साल है। लेकिन अगर हम इसको ब्राजील से कंपेयर करें तो ब्राजील में 300 साल, 3 सेंचुरी से ज्यादा के लिए ब्राजील में पोर्चुगीज ने रूल किया। तो यहाँ पे पोर्चुगीज कॉलोनियल पावर थे, इनको इंडिपेंडेंस मिल गया 1822 में, हमको 1947 में मिला, ब्राजील वाज इंडिपेंडेंट इन 1822। लेकिन 1930 से 1985 तक उनके यहाँ पे जो है पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट थी, तो मिलिट्री गवर्नमेंट वहां कंट्रोल कर रही थी, तो उसके बाद ही उनका डेवलपमेंट जो है प्रोमिनेंटली हुआ। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन है, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, और एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया कि इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो वो एक फैक्ट ही है, इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री, इट्स अ ग्लोबल मार्केट एज सच टू। और ब्राजील के बारे में लिखा गया, ब्राजील इज सीन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एज एन इम्पोर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर। मतलब इंडिया अभी ग्लोबल मार्केट है और ब्राजील फ्यूचर में बनेगी और वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सवाल आ चुके हैं, इवन जो मॉक पेपर्स है उनमें पूछा गया है, जो बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो मॉक पेपर्स दिए हैं। तो ब्राजील इज सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इसके अंदर अगर फिल इन द ब्लैंक में भी आया तो आपको आंसर ब्राजील लिखना है। और दूसरा जो कंपैरिजन यहाँ पे है रिगार्डिंग इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इंडिया इज अ यंग कंट्री। इंडिया एक यंग कंट्री क्यों है, क्योंकि इंडिया में यूथ ज्यादा है, पॉपुलेशन को हम देखेंगे तो यूथ ज्यादा है। कोई कंट्रीज को ओल्ड कंट्रीज माना जाता है, जैसे जापान इज एन ओल्ड कंट्री, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन आप देखोगे तो बूढ़े ज्यादा है, कभी नए बच्चे पैदा हो नहीं रहे, बच्चे पैदा का होने का रेट जो है कम हो गया धीरे धीरे, तो जो बच्चे अभी बड़े भी हुए वो भी उनका प्रोपोर्शन भी कम है, बूढ़े ज्यादा है, फिर मिडिल एज और बच्चे और कम है। तो जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है तो ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा होता है, लेकिन इंडिया में तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अच्छा है, तो इंडिया के पास यूथ भी अभी काफी है, तो यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है क्योंकि वो वर्किंग पॉपुलेशन होता है, बच्चे और बूढ़े एक्चुअली डिपेंडेंट्स होते हैं, तो यंग पॉपुलेशन मीन्स मोर पोटेंशियल। तो ये हो गया एक कंपेरिजन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। उसके बाद यहाँ पे फिगर 2.3 मैप दिया गया है, उसके ऊपर ये एक्टिविटी करनी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, तो ये मैप दिया हुआ है, वर्ल्ड मैप, ब्लैंक वर्ल्ड मैप है, आप देख सकते हैं 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ दिया गया है। तो अगर हम इक्वेटर कहेंगे तो इक्वेटर यहाँ पे बीच में से जाएगा, तो बीच में से जो पोजिशन होगी इक्वेटर की, जैसे हम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये देखिए यहाँ से शुरू होगा और ये जाएगा पूरा स्ट्रेट यहाँ तक, तो ये हम इक्वेटर बना सकते हैं, इसको वैल्यू देना है 0 डिग्री नॉर्थ। तो आप देख सकते हैं ब्राजील का थोड़ा सा हिस्सा, ये ब्राजील है, ब्राजील को भी हमको शेड करना है, इंडिया यहाँ पे, इंडिया को भी हमको शेड करना है, तो ये यहाँ पे 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री नॉर्थ या साउथ कुछ नहीं है, 0 डिग्री 0 डिग्री है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ है, 0 डिग्री इज न्यूट्रल, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड हमको लिखना है इक्वेटर का, और दो कंट्रीज को हमको ब्राजील को और इंडिया को शेड करना है अलग अलग कलर में, और लेबलिंग भी करनी है उनका, मतलब हम कलर करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप एक बॉक्स बना सकते हैं कि ये कलर मतलब ब्राजील, ये कलर मतलब इंडिया, ऐसे। और कॉन्टिनेंट्स को नाम देना है, तो ये देखिए आप 7 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ इसके अलावा लास्ट में ये एंटार्क्टिका, तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स है, और 5 ओशंस है, ऊपर है आर्कटिक ओशन, नीचे सदर्न ओशन, यहाँ इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, ये अटलांटिक ओशन बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका एंड इवन अफ्रीका एंड अमेरिका फॉर दैट मैटर, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन ऐसे भी बोला जाता है, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पे ये देखिए एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता हुआ जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। तो एक्चुअली मेन ओशन 5 है, अगर हम नॉर्थ साउथ को अलग अलग नहीं काउंट करें तो, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और ऊपर आर्कटिक, नीचे सदर्न ओशन, तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस के नाम है, तो ये हमको मैप में ये भी लिखना है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कवर हो गया, नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, कलर ब्राजील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड नेम देम, ड्रॉ इक्वेटर ऑन द मैप एंड राइट इट्स वैल्यू इन डिग्रीज, और शो द सिंबल फॉर डायरेक्शन, सो मैप पे जो सिंबल होता है तो आप स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन करके एरो बना के ऊपर नॉर्थ लिख सकते हैं एन, और डायरेक्शन का सिंबल हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, देखिए
यहाँ पे हम लेंगे ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, और यहाँ पे हम एरो बना के कह देंगे ये नॉर्थ। तो ये हो गया डायरेक्शन का सिंबल, तो ये नॉर्थ है। तो बाकी डायरेक्शंस ऑब्वियसली ऑपोजिट साउथ होता है, और ये साइड लेफ्ट साइड पे ईस्ट वेस्ट होता है, और ईस्ट साइड पे ये ईस्ट है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर ये सिंबल बना दिया मतलब ये डायरेक्शन का सिंबल है। तो ये आपको यहाँ पे ऊपर पूछा गया, शो द सिंबल फॉर डायरेक्शन। तो ये हो गए आपके मैप क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे और इंफॉर्मेशन जैसे और क्वेश्चंस दिए गए हैं। वन ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव कलर्ड, आउट ऑफ द कंट्रीज व्हिच यू हैव कलर्ड, व्हिच कंट्री इज लार्जर इन साइज। हमने दो कंट्रीज यहाँ पे जो शेड किया है, ब्राजील को और इंडिया को। तो ब्राजील और इंडिया में से कौन सी कंट्री बड़ी है, तो देखते ही पता चलता है कि ब्राजील बड़ी है। ब्राजील हैज लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब लैटिट्यूड भी उसका फैला हुआ है, और एरिया वाइज भी बड़ी है ब्राजील। सेकेंड सवाल है, विच कंट्री हैज लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी ब्राजील का ज्यादा है, साइज भी ब्राजील की ज्यादा है। और तीसरा सवाल फिर है, हाउ डू द लोकेशंस ऑफ ब्राजील एंड इंडिया डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशंस इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स। मतलब कॉन्टिनेंट्स में ये कहाँ लोकेटेड है। जैसे हमने पहले शुरू में देखा, ब्राजील नॉर्दर्न पार्ट में है, कॉन्टिनेंट उसका साउथ अमेरिका, लेकिन साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में है, और एशिया में ये इंडिया, लेकिन इंडिया एशिया के कौन से पार्ट में, सदर्न पार्ट में। तो ब्राजील नॉर्दर्न पार्ट में कॉन्टिनेंट के, और इंडिया सदर्न पार्ट के। कॉन्टिनेंट दोनों का हमको पता है, ब्राजील इज इन साउथ अमेरिका, इंडिया इज इन एशिया। फिर चौथा सवाल है, हाउ मेनी स्टेट्स डज ईच ऑफ द टू कंट्रीज हैव। तो इंडिया के एक्चुअली 29 स्टेट्स थे, पर जम्मू एंड कश्मीर इज नो लॉन्गर अ स्टेट नाउ, तो 29 स्टेट एडेड वाज तेलंगाना। फिर तेलंगाना के बाद जब 29 हुए, तो अब 2019 में हम फिर से 28 स्टेट्स हो गए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज नो लॉन्गर अ स्टेट, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो हमारी जो है यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई, इंडिया के स्टेट्स 28 हो गए, वो भी यूनियन टेरिटरी दो बनी है, तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब ब्राजील के स्टेट्स कितने हैं, 26। तो इंडिया के 28, ब्राजील के 26। वी ड्रॉ द फ्लैग्स ऑफ दीज कंट्रीज इन योर नोटबुक, तो फ्लैग्स ऊपर ही दिए आप बना सकते हैं। एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्बलम्स ऑफ बोथ दीज कंट्रीज। तो नेशनल एम्बलम, इंडिया का नेशनल एम्बलम कौन सा है, तो ये इंडिया का नेशनल एम्बलम है, ये कॉइन्स पे भी होता है। तो ये चार एक्चुअली लायंस है फोटो में, और इमेजेस में एक्चुअली तीन ही दिखते, लेकिन पीछे भी एक लायन है। तो ये अशोकन पिलर का जो है ये है बना हुआ, तो उसको हमने हमारा नेशनल एम्बलम करके अडॉप्ट किया है। तो ये बुद्धिस्ट सिंबल है, इट बिकेम इंडियाज नेशनल एम्बलम, राइट। और ब्राजील का नेशनल एम्बलम कैसा है, ये देखिए, ये ब्राजील का नेशनल एम्बलम है, ये ब्राजील का फ्लैग है, ये नेशनल एम्बलम है। तो ये हो गया आपका इतना पार्ट कवर, और फाइनली जो है गिव इट अ ट्राई और डू यू नो बिफोर द एक्सरसाइज। तो गिव इट अ ट्राई में है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और ब्राजील में क्या क्या फर्क है बताइए। तो हमने ऊपर भी देखा थोड़े फर्क को, कि इंडिया एक्चुअली यंग नेशन है और ग्लोबल मार्केट भी है, तो वो है। तो ब्राजील में भी वही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपिंग कंट्री की, लेकिन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है डेमोक्रेसी बनी, लेकिन ब्राजील पोस्ट इंडिपेंडेंस वहाँ पे पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट भी आई है। फिर दूसरा सवाल है, द इंपीरियल पावर विच रूल्ड ब्राजील ऑल्सो रूल्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, कि जो कॉलोनियल पावर ब्राजील में रूल कर रही थी, अभी हमने ऊपर देखा पोर्चुगीज रूल कर रहे थे, तो पोर्चुगीज इंडिया में भी थोड़े हिस्से में रूल कर रहे थे, और वो इंडिया को इंडिपेंडेंस हमने 1947 में इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से तो ले ली, लेकिन पोर्चुगीज फिर भी इंडिया में थे, वो बाद में गए। तो पोर्चुगीज वर एक्चुअली द फर्स्ट टू कम टू इंडिया, वास्को डा गामा जो इंडिया आए थे, ही वॉज अ पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज की रूल काफी एरियाज में थी, लेकिन जो मॉडर्न टाइम्स में हम देखते हैं ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, वो टाइम पे दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और गोवा, ये मेन रीजन उनके कंट्रोल में थे। बाकी तो 1740 में, जैसे आप देख सकते हैं 1612 वगैरह में ही उनका पावर वहां से हट गया था। तो ये मेन है दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और गोवा। दादरा एंड नगर हवेली आप देख सकते हैं 1954 में फ्री हो गए थे, लेकिन दमन एंड दीव और गोवा 1961 में, जब फाइनली हमको हमारे फोर्सेस भेजने पड़े पुलिस एक्शन से, ये रीजन को पोर्चुगीज से इंडिपेंडेंट किया गया। ब्रिटिशर्स चले गए 1947 में, पोर्चुगीज 1961 तक इंडिया में थे। तो वही सवाल आपका टेक्स्ट बुक में है कि कहाँ पे वो रूल करते थे। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्चुगीज। तो ये है दादरा एंड नगर हवेली 1954, दमन एंड दीव एंड गोवा इन 1961। और फाइनली ये डू यू नो का बॉक्स है, तो ये इंडिपेंडेंस डे भी कंपेयर किया गया। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त है,
ब्राजील सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 7 सितंबर, तो ये फैक्ट भी याद रखना है। और गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब किया गया है, तो ये फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक गवर्नमेंट इंडिया में और फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक गवर्नमेंट ब्राजील में। फेडरल का मतलब होता है जिसके स्टेट्स हो, बहुत बड़ी कंट्री होती है तो उनके छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे भी गवर्नमेंट्स होती है, तो फेडरल गवर्नमेंट दोनों कंट्रीज बड़ी है तो दोनों फेडरल है। रिपब्लिक मतलब इलेक्शंस होके, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इलेक्शंस होके आते हैं फिक्स टर्म के लिए, तो दोनों रिपब्लिक है, मोनार्की नहीं है, तो दोनों फेडरल है दोनों रिपब्लिक है। इंडिया पार्लियामेंट्री है और ब्राजील में प्रेसिडेंट हेड होते हैं, तो ब्राजील प्रेसिडेंशियल है, ये फर्क है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और ब्राजील में प्रेसिडेंशियल। और ब्राजील जो नाम है वो आता है एक लोकल वुडेड ट्री के नाम से, पाओ ब्राजील, तो ये फाइनल एक फैक्ट है। तो यही है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, आगे एक्सरसाइजेज है जो सेपरेटली कवर की जाएगी। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स।